इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आए दिन टीवी चैनल्स पर डिबेट्स होती हैं, मुद्दों को उठाया जाता है, मुद्दों को उछाला जाता है और एंकर्स और गेस्ट कभी कभी अपनी हदों को पार कर देते हैं, कभी कभी वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं न्यूज़ 18 की। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज़ 18 पर 50,000 का जुर्माना ठोका है और चैनल को निर्देश दिए हैं कि वो कर्नाटक के हिजाब और एंकर अमन चोपड़ा द्वारा किए गए शो को हटाएं। न्यूज़ लॉन्ड्री के मुताबिक NBDSA ने कहा है कि चोपड़ा ने आचार संहिता और प्रसारण मानकों का घोर अनादर किया था और न्यूज़ इंडिया के इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर बहस कैसे कराई। इस मुद्दे पर अपने एंकरों को न्यूज़ 18 मार्गदर्शन दे और बताए कि किस तरीके से डिबेट की जाती है। आपको बता दें, आदेश इंद्रजीत गोरपड़े नाम के व्यक्ति द्वारा 10 अप्रैल को दर्ज कराई गई शिकायत के बाद आया है, जिसमें ये सवाल उठाए थे कि 6 अप्रैल को प्रसारित हुए इस शो में चोपड़ा ने मुस्लिम छात्राओं को हिजाब गैंग और हिजाब वाली गजवा गैंग के तौर पर उल्लेख किया था और ऐसे झूठे आरोप भी लगाए थे जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चोपड़ा ने शो में शामिल हुए मेहमानों द्वारा किए गए बयानों पर भी सवाल उठाया है और कहा है चोपड़ा ने ऐसे सवाल पूछे थे जिनका अर्थ निकलता था कि मुस्लिम लोग भारत में सुरक्षित हैं और वो भारत है जो मुस्लिम समुदाय से खतरे में है। वैसे भी हम अमन चोपड़ा की हम डिबेट्स देखते रहते हैं, अमन चोपड़ा की तरह और भी एंकर से जिनकी हम डिबेट्स देखते रहते हैं, इस तरह की बातें डिबेट्स में उछल के आती हैं और इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि ये बड़ी कार्रवाई है और देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो न्यूज़ डिबेट करते हैं या एंकर्स हैं इसको कितना सीरियस लेते हैं, चैनल्स इसको कितना सीरियस लेते हैं। गौरतलब हम आपको बता दें, ये कोई पहला वाकया नहीं है न्यूज़ 18 या अमन चोपड़ा की तरफ से कि इस तरह वो पेश आए हों। हम आपको बता दें, 3 हफ्ते पहले भी चोपड़ा ने न्यूज़ 18 पर एक शो की मेज़बानी की थी जहां उन्होंने गुजरात पुलिस द्वारा मुस्लिम पुरुषों को डंडों से सरेआम पिटाई का जश्न मनाया था और उन्होंने इसकी तुलना डांडिया खेलने से की थी। तो अमन चोपड़ा का ये व्यवहार कोई नया नहीं है, लेकिन अमन चोपड़ा पर लगाम लगाने की ये कोशिश बिल्कुल सराहनीय है और अमन चोपड़ा जैसे जितने एंकर्स हैं अगर वो माहौल बिगाड़ते हैं तो उन पर इस तरह की लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।